में अगर कोई इंसान को मैंने सही बोलते हुए देखा है तो वो जावेद अख्तर साहब। हमारे हमें फर्क यह है कि मैं एथिस्ट नहीं हूँ, मैं एक खुदा की कह लीजिए या मैं एक सुपरनैचुरल प्रेजेंस को मानता हूँ। जावेद साहब तो ये भी नहीं मानते। एग्जैक्टली मतलब तुम ये कैसे सोच सकते हो कि अगर तुम्हारा कोई भगवान है तो वो भगवान मुसलमान का ख्याल नहीं रखता होगा? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा भगवान तुम्हारा ख्याल रख रहा है, बस ये तुम्हारा अल्लाह सिर्फ मुसलमान का ख्याल रखता है। क्रिश्चियन का क्रिश्चियन डजंट एग्जिस्ट फॉर हिंदू, डजंट एग्जिस्ट फॉर या जीसस इज ओनली मेड फॉर क्रिश्चियन, ही विल नॉट टेक केयर ऑफ अ सिख। इतना सिंपल सी चीज को लोग नहीं समझते कि एक ही है, ये ईगो है। आपने हमारे शहादा, हमारे ईमान, हमारे इस्लाम के बुनियाद का पहला हिस्सा कहा, जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देयर इज नो गॉड, ला इलाहा, आप कोई भी खुदा में नहीं मानते, इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। वो बाकी जो गैर मुसलमान है, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुझे पहला उनसे बहस करने पड़ेगा कि आप जिस खुदा में मानते हैं वो गलत खुदा है, फिर साबित करने पड़ेगा इल्लल्लाह बट अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा। डबल काम आपके लिए, आधा काम मेरा हो चुका है, आप समझे ना, इसीलिए आपके साथ मेरा आधा काम हो चुका है। वो क्रिश्चियन को पहले साबित करने पड़ेगा, अरे भाई साहब ईसा अलैहि सलाम खुदा नहीं है, मेरा वक्त जाएगा। हिंदू को बोलने पड़ेगा, भाई आप जिस भगवान में मानते, ईश्वर में मानते, मूर्ति में मानते गलत है। आप तो पहला पार्ट कह चुके हैं हमारा मानते हैं, दूसरा पार्ट बट अल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको साबित करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप माशाल्लाह साइंस में मानते हैं, मैं भी साइंस में मानता हूँ, आप साइंस पे यकीन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी लिमिटेड जहां तक के सही है मानता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर एक चीज अगर आपके सामने लिखा होगा मैं, जो कोई भी इंसान ने कभी भी नहीं देखा, पहली बार कोई इंसान देख रहा है, और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मैकेनिज्म, सबसे पहला शख्स कौन बोलेगा ये चीज? मे बी कंप्यूटर, मे बी समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट, पहले बार जिंदगी में कोई इंसान देख रहा है। मैं आपसे पूछूंगा इसका मैकेनिज्म सबसे पहले कौन सा शख्स कहेगा, आपका क्या जवाब है? वो तो डिस्कवरी या रीडिस्कवरी रहेगा, तो उसको पहला स्टडी करना पड़ेगा ना, इन डेप्थ स्टडी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले बार स्टडी तो बाद में हुई, मेरा सवाल ये है कि सबसे पहला शख्स कौन रहेगा उसके बारे में जो कह सकेगा मैकेनिज्म के बारे में, जो डिस्कवरर है वो, जो डिस्कवर करेगा वो चीज को। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई गाड़ी बनाता है, गाड़ी तो डिस्कवर किसने नहीं किया, वो तो बना रहा है, गाड़ी तो इन्वेंट किया था, इन्वेंट ने बनाया है, वो इन्वेंटर क्या है? एक नई गाड़ी लेके आऊंगा, बोलूंगा लेटेस्ट मॉडल है, कौन जानता है? आप क्या बोलेंगे गाड़ी को? अगर एक गाड़ी अभी है, मैं उसको पूछूंगा मारुति का 800, कौन जानता है? तो आप क्या उस पर तहकीक करेंगे? नहीं। आप क्या बोलेंगे, कौन जानता है मारुति 800 के बारे में? आप तहकीक करेंगे जवाब देने के लिए, तहकीक करने पे तो एक हफ्ता एक साल निकल जाएगा। जवाब क्या है? मैं अंदर के बारे में जानना नहीं चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहला शख्स कौन होगा जो उसके बारे में जानता है, तो क्या जवाब देंगे आपका? आप साइंटिस्ट है माशाल्लाह, जिसने बनाया रहेगा उसको पता है। बराबर, जिसने बनाया है, अंग्रेजी में कहेंगे क्रिएटर, मेकर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, जो भी बोलो, लफ्ज का इधर उधर है, पर आप मानते हैं कि सबसे पहली बार वो क्या चीज है, बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज आपके सामने आती है जिसका आपको इल्म नहीं है और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला शख्स कौन है जो इस चीज के बारे में जानता है, तो जवाब है उसका क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, मेकर, प्रोड्यूसर, तकरीबन मानिए है। ये जवाब आपके ध्यान में रखिए। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कायनात जो है, ये कायनात यूनिवर्स है, ये वजूद में कैसे आई? ऑन इट्स ओन, साइंस स्टडी कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने कहा साइंस के स्टूडेंट है क्या? नहीं, हाँ हूँ। बिग बैंग, एक्चुअली बिग बैंग थियोरी में मानते हैं। बिग बैंग टूडे इज एन इररिफ्यूटेबल प्रूफ फॉर द साइंटिस्ट। देयर मे बी सम पीपल डिफरिंग, ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब मिले, सब चीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बट टुमारो इफ समवन कैन कम अप विद अ बेटर थियोरी एंड ही कैन प्रूव बिग बैंग इज रॉन्ग, समवन कम्स अप, वो कल की बात है। आप तो बोले साइंस एडवांस, एज ऑफ टुडे वी बिलीव इन बिग बैंग। आज के हिसाब से कल क्या आएगा छोड़ो ना, कल क्या आएगा छोड़ो, आज के हिसाब से आपके इल्म के हिसाब से कायनात कैसे वजूद में? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ये बिग बैंग थ्योरी मतलब फर्स्ट द प्राइमरी नेबुला, देयर वाज अ बिग बैंग, अ सेकेंडरी सेपरेशन गिव राइज़ टू गैलेक्सीज, स्टार्स, सन्स एटसेट्रा। ये बिग बैंग के बारे में पता कब लगा आपको, कितने साल पहले आपके हिसाब से, कुछ आइडिया है? ईयर तो नहीं पता, नहीं, तकरीबन कितने साल पहले? तकरीबन नो आइडिया, तकरीबन तकरीबन एग्जैक्ट नहीं पूछो, तकरीबन मुझे या ह्यूमैनिटी को? ह्यूमैनिटी को, ह्यूमैनिटी को, ह्यूमैनिटी को, आपको नहीं, आपको पता चलेगा जब आपने पढ़े, बट उसमें ये भी पता लगता है ना सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला, कौन से साल में मिला, पता है तकरीबन कितने साल पहले? नो आइडिया, मे बी 30-40-50 ईयर्स। बिल्कुल सही, 30 बोलो, 40 बोलो, 50 मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, सही जवाब तकरीबन 40 साल है, लेकिन 30 बोलो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, 50 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, 60 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन 30-40-50-60 है बराबर। ये लव जो आप कह रहे हैं, ये जो बिग बैंग के बारे में कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लजीना कफरु, क्या वो काफी नहीं जानते, अन्न समावाती वल अर्द, ये आसमान और धरती एक थे, अवलम यरल लजीना कफरु अन्न समावाती वल अर्द कान तरतकन फतकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और ये अलायदा हुए, डू नॉट द अनबिलीवर्स सी द हेवन एंड द अर्थ जॉइन टुगेदर एंड वी क्लोज देम असंडर। अभी दिस इज नथिंग बट द बिग बैंग थ्योरी नटशेल, जो बिग बैंग कहती है दिस इज अ नटशेल। वो बिग बैंग में आप जब जाएंगे उसमें और आपको एक्सपेंशन मिलेगा, बिलियन ईयर पहले हुआ, 5 बिलियन या 5 ईयर, दैट डिफरेंस ओपिनियन। ये बिग बैंग के बाद कौन सा गैस है, न्यूऑन आया, प्रोटॉन आया, वो सब डिस्कशन, बट बिग बैंग इज द इररिफ्यूटेबल प्रूफ अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। आई वुड लाइक टू इंटरफियर हियर विद योर
your permission, of course. Why does religion need to use science as a walking stick? Whereas science never refers to religion. MashaAllah. Bhai sahab ne pucha ki religion ko science ki walking stick kyun chahiye? Science ko religion ki zarurat hi nahi hai. Bhai sahab, religion ko science ki zarurat nahi hai. Science ko religion ki zarurat hai. Isiliye Albert Einstein, who got a Nobel Prize winner, famous physicist, usne kaha, science without religion is lame and religion without science is blind. That was his personal opinion. I would just like to say one thing. When a doctor... Okay. Jawab complete ne. I think it would be better if I just add. No, you can add, but you keep on adding every sentence, the main will go away. Right. Otherwise, every time you can keep on arguing, the whole thing will take 10 hours. For that, we can have a private discussion. Sure. Right? We'll have private discussion. We'll discuss 1 hour, 5 hours, 10 hours. Tomorrow night you come, till morning we'll... No problem. Not that I'm running away. Then everyone will think that, why are you giving this person? Is he a personal thing? No. So then, fine. But the main thing is, because if you want to keep on beating, or you can keep on asking counter question, it'll keep on going. No, I don't want to beat around the bush. No, not beating around the bush. Let's get to the main subject first. Let's get to the main subject first. Because then you keep on doing, then you miss the whole. Right. Point. As I was saying, that Albert Einstein, the science without religion is lame and religion without science is blind. Ye Albert Einstein ka personal view tha. Har scientist ka view personal view hai. Ye science ki buniyad hai. Uska personal view hai, lekin personal view ko sabit karta hai. Aap mano ya nahi mano. Aap ye kehna chahe ki scientist jo keh raha personal view ne. It is illogical statement according to me. Har scientist ka view personal view hai. Zakir ka view bhi personal view hai. आपका व्यू नहीं है, हो सकता है आप मेरे व्यू से सहमत है नहीं सहमत है, दिस इज साइंस। इस्लाम को साइंस की जरूरत नहीं है। आप साइंस का सारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं, इसलिए सारा ले रहा हूँ। आप साइंस में नहीं मानेंगे, मैं साइंस का सारा नहीं लूंगा। कुरान की आयत है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, ताला विला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम। आओ हम उस बात की तरफ जहाँ पर हम एक सा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। वो जो हिंदू पूछता है, मैं हिंदू मजहब की बात कर रहा हूँ, उस टाइम साइंस की नहीं बात किया। वो क्रिश्चियन जब पूछे ईसा अलैहि सलाम के बारे में, मैंने बाइबल की बात किया। ताला विला पोएट्री की बात करूंगा, मानेंगे क्या? मैं शेर शायरी करूंगा, बोलेंगे क्या शेर शायर, मैं तो साइंस वाला आदमी हूँ। क्योंकि आप साइंस में मानते हो, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। मैं वेद कोट कर रहा हूँ, नहीं कोट कर रहा हूँ। मैं गीता कोट कर रहा हूँ, नहीं कोट कर रहा हूँ। बाइबल कोट, उधर वेदा कोट किया हूँ, गीता कोट किया हूँ, उधर साइंस नहीं कोट किया हूँ। तो कुरान इज अ मास्टर की, सारे ताले की चाबी है। चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे साइंस। लिटरेचर पोएट्री पे भी कर सकता हूँ, लेकिन ना पोएट है नहीं, वैसा तो मैं भी नहीं हूँ। आपने कहा साइंस का सारा किधर ले रहे? मैं सारा ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप बोलेंगे अब हिंदी में क्यों, बाकी हिंदी समझते हो? जर्मन में बात करो, आप समझेंगे क्या? मैं भी जर्मन में जानता हूँ। क्योंकि आपने कहा कि आई एम अ मैन ऑफ साइंस। आप अगर नहीं कहते तो साइंस की बात करता ही नहीं था। तो ये सवाल आप सवाल करते जा सकते हैं। इट इज जस्ट डाइवर्जन। आप अगर साइंटिस्ट से ये सवाल कर रहे हैं, अगर ये गांव का आदमी मुझे सवाल किया तो मानू भी। आप अपने आप को साइंटिस्ट कह रहे हैं, फिर बोलते साइंस का सारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं। मेरा सवाल था कि ये चीज कुरान में किसने लिखा बिग बैंग के बारे में, आपके हिसाब से? ये कुरान 1400 साल पुराना, ठीक है? ये कुरान में किसने लिखा? आई हैव नो आईडिया, आई हैवंट रेड कुरान। नहीं नहीं, लेकिन मैं हवाला दे रहा हूँ ना, आप तर्जुमा पढ़ सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। प्रॉफेट मोहम्मद, मे बी प्रॉफेट मोहम्मद, मे बी, आई डोंट नो, मे बी, ठीक है, सही है गलत, मे बी। ये दुनिया जो हमारी है, दुनिया का शेप क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस अर्थ? सर्कुलर, सर्कुलर, सर्कल, इट्स ओवॉइड, ओवॉइड, जियोस्फेरिकल। मैं जरा मदद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जरा साइंस के डिग्री में जरा हायर लेवल में डॉक्टर हूँ। आपकी डिग्री क्या पता नहीं, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मदद करना हर इंसान का फर्ज है। सर्कल मतलब फ्लैट है, इट शुड बी स्फेरिकल, यू शुड से बेटर देन स्फेरिकल इज जियोस्फेरिकल। एग्जैक्ट, करेक्ट ना? सर्कल करेक्ट है, जियोस्फेरिकल करेक्ट है, यू आर राइट, जियोस्फेरिकल, ओवॉइड भी करेक्ट ना, जियोस्फेरिकल। ये कभी पता चला आपको? कितने साल पहले? नहीं पता, मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, इस्लाम के अलावा साइंस का स्टूडेंट भी हूँ। ये सबसे पहले जो इंसान ने जाना और साबित किया कि द वर्ल्ड इज स्फेरिकल इज सर फ्रांसिस ड्रेक। सन 1577 में जब दुनिया के गोल वो सेल किया, उसने साबित किया कि दुनिया गोल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाजियात में, सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और हमने इस अर्थ को, इस जमीन को दहाहा बनाया। दहाहा अरबी लफ्ज है जो आता है दुनिया से, जिसका मतलब एग शेप। और हम जानते हैं अर्थ कंप्लीटली राउंड लाइक अ बॉल ने, इट इज फ्लैटन फ्रॉम द पोल्स, जियोस्फेरिकल शेप। और ये दुनिया है, ये आम अंडा नहीं है, इट इज एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग का अंडा है। और अब शतुरमुर्ग का अंडा देखेंगे, इट इज जियोस्फेरिकल शेप। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले कौन लिख सकता है कि द अर्थ वॉज जियोस्फेरिकल शेप? मेरा सवाल है, कौन लिख सकता है? उस वक्त कौन जानता था? ये पता कब लगा? 400 साल पहले। तो 1400 साल पहले कौन लिख सकता है? तभी वो पोस्टुलेट था, अभी ये थियरी बन गया, प्रूव करने के बाद थियरी बन गया। अभी वो पोस्टुलेट था। पोस्टुलेट पढ़ेगा जियोस्फेरिकल शेप? आप अगर स्टूडेंट ऑफ साइंस है, मैं भी स्टूडेंट ऑफ साइंस है, अगर आप गलती करेंगे तो मेरा फर्ज होता है कि आपको सुधारूं। देयर वाज नो पोस्टुलेट, देयर वाज अ हाइपोथेसिस। प्रोबेबली इट वाज नॉट डॉक्यूमेंटेड, इट वाज अ हाइपोथेसिस, इट इज थियरिकल बट नो प्रूफ। एंड जियोस्फेरिकल तो था ही नहीं। इवन सर फ्रांसिस ड्रेक जब दुनिया के गोल गए, उसने ये नहीं कहा कि जियोस्फेरिकल है, उसने कहा स्फेरिकल है। कुरान में लिखा है स्फेरिकल नहीं, जियोस्फेरिकल। इट वाज नो पोस्टुलेट, नो हाइपोथेसिस आल्सो, लीव अस दैट पोस्टुलेट।
इट केम लेटर ऑन जीवस पेरिकल तो और करीब है। कुरान में कौन लिख सकता है? प्रॉबेबली सम अर्ली साइंटिस्ट। ठीक है, अर्ली साइंटिस्ट ने लिखा, पहले बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है, फिर बोले अर्ली साइंटिस्ट, बिग बैंग लिखा, ये लिखा। ठीक है, चांद जो है, चांद की रोशनी खुद की रोशनी है क्या रिफ्लेक्टेड रोशनी है? रिफ्लेक्टेड। कभी पता चला? यस्टरडे, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, उस पर बहस नहीं करेंगे। कुरान ने जितने 1400 साल पहले लिखा है सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में कि ये चांद और सूरज की खुद की रोशनी है, चांद की रोशनी बोरोड है, ली गई है या रिफ्लेक्टेड है, नूर या मुनीर। तो कौन कुरान में लिख सकता है कि ये चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं है, बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड है? पहले हर इंसान समझता था कि चांद की खुद की रोशनी है, कोई भी हाइपोथेसिस भी नहीं था, बराबर ना? ये हाइपोथेसिस भी नहीं था 1000 साल पहले कि चांद की रोशनी खुद की है, स्फेरिकल था, मैं जानता हूँ, पीपल ऑफ पाइथागोरस ने कहा था। चांद के बारे में तो किसी ने भी नहीं कहा। कौन लिख सकता है कुरान में 1400 साल पहले कि चांद की रोशनी खुद की नहीं है, ली गई है, बोरोड है, रिफ्लेक्टेड है? कौन लिख सकता है? तो ये कुरान भी किसने लिखा? इस कायनात के मैन्युफैक्चरर ने, इन्वेंटर ने, मेकर ने, इस जो क्रिएटर है, हम अरबी में कहते हैं अल्लाह, इंग्लिश में लोग कहते हैं गॉड। इसीलिए आज की साइंस, दे आर नॉट एलिमिनेटिंग गॉड, दे आर एलिमिनेटिंग मॉडल्स ऑफ गॉड।